नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। खातेगांव में एडीजे कोर्ट ने 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी गलत इरादे से बच्ची को अपने साथ ले गया था। जबरदस्ती करने पर बच्ची चिल्लाई तो उसकी गला घोटकर हत्या कर दी, फिर उसके शव के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के शव को सीमेंट की बोरियों से ढक कर वहां से भाग गया। फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि ऐसी विकृत मानसिकता के व्यक्ति से समाज को बचाना जरूरी है, इसलिए इसे समाज से अलग करने के लिए ऐसी सजा जरूरी है। उस मामले को रेयरेस्ट मानकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया। तत्कालीन खातेगांव टीआई एमएस परमार और उनकी टीम ने 24 घंटे में आरोपी को पकड़ा और एक महीने के भीतर चालान पेश कर दिया। घटना के महज 6 महीने 12 दिन में कोर्ट ने गुरुवार को अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। यह पहली बार है जब खातेगांव कोर्ट ने किसी आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। बच्ची के परिजनों ने कहा कि आज हमारी बेटी को न्याय मिला है। 7 नवंबर 2021 को खातेगांव की बागड़ी कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान में 10 वर्षीय बच्ची का शव संदिग्ध हालत में मिला था। बच्ची का शव देखने के बाद परिजनों ने उसके साथ दुष्कर्म की संभावना जताई थी। पहले पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। 2 दिन बाद दुष्कर्म पास्को की धाराएं बढ़ाई गई थी। आरोपी बच्ची को निर्माणाधीन मकान में ले गया था, जहां उसने दुष्कर्म का प्रयास किया। जब बच्ची चिल्लाने लगी तो उसने गमछे से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी, उसके शव के साथ दुष्कर्म किया, फिर पहचान छिपाने के लिए शव को सीमेंट की बोरी से ढक दिया और भाग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीमेंट की खाली बोरियां जिसमें खून लगा हुआ था और मृतका के सिर के बालों का रबर बैंड जब्त किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी महेंद्र सिंह परमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई है। पुलिस को कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी मिली कि बालिका को निर्माणाधीन मकान में दोपहर में गोलू के साथ देखा था। इसके बाद बच्ची के पिता के रिपोर्ट पर आरोपी गोलू उर्फ नरेंद्र प्रताप भैरू सितोले उम्र 24 वर्ष निवासी गांव बड़ी बरछा के खिलाफ हत्या सहित अन्य धारा में मामला दर्ज किया है। आरोपी गोलू को उसके घर से 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया। आरोपी ने पूछताछ में जुर्म स्वीकार कर लिया है। आज अपर जिला सत्र न्यायालय खातेगांव ने एक महत्वपूर्ण चिन्हित का फैसला किया है। क्या है सर पूरा मामला और क्या सजा मिली सर आरोपी को? आज दिनांक को माननीय प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश खातेगांव द्वारा थाना खातेगांव के चिन्हित प्रकरण में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी गोलू उर्फ नरेंद्र को धारा 302 में फांसी की सजा से दंडित किया गया है तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5M में फांसी की दंड सजा से दंडित किया गया है तथा धारा 377 भारतीय दंड विधान के तहत 10 वर्ष का कारावास और साक्ष्य छुपाने वाली धारा 201 में 7 वर्ष से कठोर कारावास से दंडित किया गया है। मामला गत वर्ष नवंबर माह का है, जो एक 10 वर्ष की बालिका जो घर से कोई व्यक्ति उसे बहला फुसला कर ले गया था और बाद में उसकी हत्या करने के पश्चात उसके साथ गलत कार्य किया गया। मामला पंजीबद्ध होने पर थाना खातेगांव द्वारा उसमें अनुसंधान किया गया और अनुसंधान पूर्ण कर प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की गंभीर परिस्थिति को देखते हुए इसे चिन्हित प्रकरण की श्रेणी में रखा गया था, जिसमें माननीय प्रथम अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश महोदय खातेगांव द्वारा आज दिनांक को अपना फैसला सुनाया गया और आरोपी को दोहरे मृत्यु दंड से दंडित किया गया। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।